बसपा प्रमुख मायावती जब अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने आई तो ऐसा माना जा रहा था कि वो विपक्षी इंडिया गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मायावती ने जब अपनी बात कहनी शुरू की, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। मायावती के संबोधन की शुरुआत में आई एनडीए गठबंधन के लिए पॉजिटिव साइन था, लेकिन उनकी बात जैसे जैसे आगे बढ़ी तस्वीर उल्टी होती चली गई। बसपा प्रमुख ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और सपा पर भी निशाना साधा और ये ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन किए बगैर अकेले ही मैदान में उतरेंगी। INDIA गठबंधन की दिल्ली बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा के साथ बातचीत को लेकर तर्क तेवर दिखाते हुए कह दिया था कि अगर मायावती की पार्टी गठबंधन में आई तो उनकी पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अखिलेश ने INDIA गठबंधन से सपा के बाहर जाने की बात कह दी थी। मायावती ने INDIA गठबंधन की इस बैठक का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को गिरगिट तक बता दिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और इनकी सभी सहयोगी पार्टियों की सोच पूंजीवादी, सामंतवादी और सांप्रदायिक है। ये पार्टियां दलित और अति पिछड़ों को अपने पैरों पर खड़ा होते नहीं देख सकती। आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सभी पार्टियां अंदर ही अंदर एक होकर श्राम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर दलितों को सत्ता से दूर रखना चाहती हैं। इनसे सावधान रहने और हर वर्ग को बसपा से जुड़ने की जरूरत है। मायावती ने INDIA गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सपा प्रमुख ने जिस तरह बसपा प्रमुख को लेकर गिरगिट की तरह रंग बदला है, इससे भी सावधान रहना है। उन्होंने आकाश आनंद को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद राजनीति से संन्यास की अटकलों पर भी विराम लगा दिया और कहा कि ऐसी खबरों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मायावती ने INDIA गठबंधन में शामिल होने के कयासों पर भी विराम लगा दिया है। मायावती ने साफ कह दिया है कि बसपा लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी, बसपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने चुनाव के बाद गठबंधन का विकल्प भी खुला रखा। बसपा प्रमुख ने गठबंधन नहीं करने की वजहें भी बताई हैं और कहा कि पार्टियों का नेतृत्व दलित हाथ में है, हमारा वोट तो सहयोगी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है लेकिन दूसरी जातियों का वोट बसपा को नहीं मिलता। उन्होंने पिछले चुनाव में गठबंधन का उदाहरण भी दिया और अकेले चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का भी उदाहरण दिया। मायावती ने कहा कि 1993 में हमने सपा से गठबंधन किया था, हम कम सीट जीत पाए थे और गठबंधन का लाभ सपा को मिला। 1996 में बसपा कांग्रेस का गठबंधन था, तब कांग्रेस को अधिक फायदा मिला। उन्होंने ये भी कहा कि 2002 में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था और करीब 200 सीटें जीती थी। 2007 में अकेले चुनाव लड़े और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मायावती ने EVM पर भी सवाल उठाया और कहा कि 2007 के चुनाव के समय EVM की शुरुआती दौर था, इसलिए तब धांधली या बेईमानी संभव नहीं था। अब जिस तरह से हर चुनाव में धांधली हो रही है, बसपा को यूपी के साथ ही बाकी देशों में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चुनाव बाद गठबंधन का विकल्प खुला रखा है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि गठबंधन उनकी शर्तों पर होगा। मायावती ने मोदी सरकार पर फ्री राशन स्कीम को गुलामी का टूल बताते हुए कहा कि हमने यूपी में अपनी 4 बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान और अन्य मेहनतकश लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजना शुरू की थी। उन्होंने कहा कि सरकारें नाम और स्वरूप बदलकर उन योजनाओं को अपना बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जातिवाद होने के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। मायावती ने कहा कि रोजगार के साधन देने के बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर इनको अपना गुलाम बना रहे हैं।